नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड वाले परिवार की तरफ से आपको एक बार फिर सब लोगों को राम राम हमारी तरफ से। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज ध्रुव जो है अपने काम करने वाले जगह से अपने फ्रेंड्स को हमारे साथ मिलवाने लेके आया है। ये इनसे मिलो, ये है ध्रुव। राम राम एवरीवन। फिर मेरी वाइफ जय श्री कृष्णा दोस्तों, और यूट्यूबर, और ये रक्षा। रक्षा जो है ध्रुव के साथ काम करती है। सॉरी रक्षा, मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया था। राम राम एवरीवन। ओके, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर यहाँ का काम करने का माहौल कैसा है। आप लोगों में से कई लोगों ने हमारे को रिक्वेस्ट किया फ़ोन करके कि हमें बताओ कि भाई क्या इंडिया के अंदर जितना वर्क प्लेस के ऊपर स्ट्रेस रहता है, जितनी टेंशन रहती है, बॉसेस कैसे ट्रीट करते हैं, क्या यहाँ पे भी वैसे ही ट्रीट होता है, क्या यहाँ पे कैसा माहौल है, मतलब काम करने का, कि यहाँ की लाइफस्टाइल तो नहीं कह सकते, मतलब जो काम करने के लिए जो कंपनीज होती हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, कि वहाँ पे बुली हैं या बहुत फ्रेंडली हैं, और बॉसेस लोग कैसे हैं। तो आज ध्रुव और उसकी फ्रेंड, उसकी वर्कमेट रक्षा हम सबको बताएंगे ये सब चीज़ें उसके लिए। तो ध्रुव, सो मी एंड रक्षा वर्क एट फूड स्टफ्स। सो बेसिकली जॉब इज द फूड स्टफ कंपनीज जॉब इज टू फीड द एंटायर साउथ आइलैंड विद फूड लाइक चिप्स, टॉयलेट पेपर्स, लाइक प्रीटी मच लाइक ग्रोसरीज। So what I do at Foodsofts, I'm a rickshaw driver. So ध्रुव बता रहा है हम सब लोगों को कि ये फूड स्टफ के लिए काम करता है। फूड स्टफ न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी एक रिटेल वेयरहाउसिंग कंपनी है। वेयरहाउसिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ये लोग क्या करते हैं, पूरे न्यूजीलैंड के अंदर जितनी भी ग्रॉसरी की आइटम होती हैं, ग्रॉसरी मतलब अपने यहाँ पे किरियाने की दुकान समझ लो, तो किरियाने मतलब भाई सब्जी, तरकारी, आटा वाटा, दालें, ये सब जो जो बेकरी के आइटम्स हैं, मीट होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब इनके यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, फिर वो पैकेजिंग होती है, उसके बाद ये क्या करते हैं कि साउथ आइलैंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ध्रुव कह रहा है कि वो एक फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है, तो फोर्कलिफ्ट की मशीन के बारे में बताएगा कि कैसे मतलब काम करता है फोर्कलिफ्ट के ऊपर, इसके पास लाइसेंस कैसे आया वो, और कौन लाइसेंस ले सकता है। So anyone can get, actually get the license for forklift. So me particularly, I did a course from my school. They gave us like credits just to help our like for school wise, like so just we can pass the school. So we. It's okay. That's how I got my forklift license. So I showed my bosses at Foodstuffs like I can drive a forklift. So they made me do another training at Foodstuffs. That's specifically just for Foodstuffs. Yeah, so after, yeah, we get the certificate. Even she's got hers, so we both did it. And yeah, that's how I got my forklift license. तो वो बता रहा है कि मतलब स्कूल के अंदर यहाँ पे माहौल इतना अच्छा है कि स्कूल वालों ने ही इसको वो फोर्कलिफ्ट का कोर्स करा दिया चकाचक, एकदम चुटकियों के अंदर। तो और इसके लिए इनको क्या होता है कि स्कूल की तरफ से क्रेडिट भी मिल गया इसको, जो इसके एजुकेशन के सर्टिफिकेट में ऐड हो गए। अच्छा, ये बताना भूल गया इसके अंदर, लेकिन मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि कार का लाइसेंस भी जो है, हालांकि एग्जाम इसने खुद दिया, प्रैक्टिकल टेस्ट भी खुद क्लियर किया, लेकिन जब इसके पास लाइसेंस आ गया तो स्कूल ने इसको उसके भी क्रेडिट दिए। तो ये यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर ये माहौल सबसे बेस्ट लगा है मेरे को अपने एजुकेशन सिस्टम का, कि जो बच्चा मतलब पढ़ रहा है, चाहे वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं उसकी, लेकिन ये उसके क्रेडिट में आ रही हैं और उसको वैल्यू एडिशन हो रही है, और साथ में उसी की जो एफिलिएशन है वो उसके वर्क प्लेस पे भी मिल रही है, मतलब वो कंपनी भी उसको रिकग्नाइज कर रही है कि जो तुमने स्कूल में जो कोर्स किया। नहीं तो हमारे इंडिया में क्या होता है, वहाँ पे तो स्कूलों के अंदर तो सिर्फ किताबों में पढ़ाते हैं, और किताबों में 90% 99% भी, आजकल मैंने सुना 99.9% की ग्रेडिंग चल रही है, भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो 99.9% करके अचीव क्या करता है रियल लाइफ के अंदर, ये तो भगवान ही जानता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। रक्षा आपको बताएगी कि यहाँ की स्कूलिंग, बिकॉज रक्षा जो है, मैं आपको इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, ये देखने में हमारे बिल्कुल इंडियन जैसी लग रही हैं, लेकिन ये इंडियन नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पे एक फीजी करके एक आइलैंड है, ये वहाँ की सिटीज़न है, लेकिन उसके बाद क्या, इनके पापा, सॉरी, ये वहाँ के सिटीज़न नहीं है, इनके पापा जो है वहाँ के सिटीज़न थे, तो वो कई साल पहले आके यहाँ से न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो गए। मेरे ख्याल से आज से करीब 25-30 साल पहले, 25 or 30 ईयर्स बिफोर, वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसके बाद रक्षा का जन्म यहीं पर हुआ, तो ये न्यूजीलैंड की सिटीज़न है एक्चुअल में।
सॉरी मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा, तो रक्षा आपको बताएगी यहाँ की स्कूल लाइफ कैसी है, जो मैं बोल रहा हूँ क्या इसको ये वेट करना चाहेंगे? I was born and raised in Christchurch. I went to a Catholic primary school and high school, but the lifestyle here, I went to a private school, so the lifestyle here was good. Education was actually really good. There's, you've been to school here too. What's the difference? How do I explain that? The difference between Indian school and the schools here are like, they don't grade you on your like theoretical way. So they practice, they actually grade you on your practical side. So like in my, when I was here in school, I did like constructions. Construction was like a course that I could do while I was studying for other subjects as well. Construction was one of my subjects. So I did that for like, I started doing that from since year 9 and I finished in year 12. And what about your, that SIT course I did? Like with here at high school, you can get your credits easier. Yeah. With other ways, not just by learning on your own subjects, they give you more options as well. Yeah, so like how I got my forklift license, I got my credits from there as well. So it kind of helps out the kids like getting their credits and passing the year easily. कहने का मतलब ये है कि भाई ध्रुव के अकॉर्डिंगली, ध्रुव ने तो चलो दोनों की लाइफ स्टाइल देखी है, स्कूल की चाहे वो इंडिया की हो चाहे न्यूजीलैंड की हो, रक्षा शायद सिर्फ न्यूजीलैंड के बारे में जानती है और थोड़ा सा फिजी के बारे में, बट कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ की पढ़ाई जो इंडिया की है और न्यूजीलैंड की है वो यहाँ से बड़ी डिफरेंट है. मतलब यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड है, साथ में प्रोफेशनल कोर्स करा देते हैं, जैसे ये SIT के थ्रू और RA के थ्रू इसको लेवल 2 की इंजीनियरिंग इसने कम्प्लीट कर ली स्कूल के साथ साथ ही, और ये सिटीजन्स को तो एडवांस बेनिफिट है. मतलब लोग यहाँ पे 10th के बाद मोस्टली 80% 90% बच्चे छोड़ देते हैं 10th के बाद. तो ये तो हुई स्कूल की लाइफ स्टाइल, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि ये दोनों वर्कमेट हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कि वर्क पे कैसी लाइफ है तुम्हारी वहाँ पे, क्या बॉसेज वगैरह क्या फन प्लेस है या मतलब क्या एकदम सीरियस होकर काम करते हो? बॉसेज बोलते हो? और बॉसेज को कैसे बोलते हो तुम? सो अब आवर मैनेजर्स प्रीटी चिल. Yeah, we have a really good manager. There's like two managers. So the shift we do, we're an afternoon shift, and there's a morning shift, day shift. The manager in the day shift, I don't really personally like him because he's been a dick to me a lot of times. But my afternoon manager, he's pretty chill and he's really nice, super nice. Everyone's very understanding over there. Yeah. So, कहने का मतलब ये है कि ध्रुव तो अपने बॉसेस की बड़ी तारीफ कर रहा है मतलब, और मेरे भी बॉसेस बड़े अच्छे हैं मतलब, लेकिन साथ में उनको डिक भी बोल रहा है मतलब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्लैंग वर्ड होते हैं डिक, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गधे भी होते हैं यहाँ पे, तो गधे इसलिए बोलते हैं कि वो थोड़ा सा बॉसी वगैरह बन रहा होगा, जो यहाँ का कल्चर है नहीं एक्चुअल में. लेकिन जैसे ने बताया कि चिल भाई साहब मतलब एकदम झकास और मतलब एकदम बेहतरीन, बिल्कुल बड़ा बेहतरीन फन फन का है. Fighting me or hitting me? होती है तुम्हारे, मैंने सुना. Mostly she hits me most of the time. No, it's the other way around. He's the bully. Oh, bully. Seriously, Drew's the word bully. Oh. Oh. Seriously, Drew. रक्षा कह रही है कि ये मेरे साथ बहुत बुली बन रहा है. ये बुली, ये बुल जैसा तो है ही, लेकिन बुली भी बनता है ये तो हमें पहली बार पता चला है. It's all right. कहने का मतलब आप सोचो, आप फील करो मतलब, और ये हम आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे, माँ का हर एक ये प्रोसेस टू क्लीन अप. नो नो, जस्ट कैरी ऑन. ओके, जस्ट से ओके, दैट्स ऑल. या ये कह रहा है कि मतलब फन, इतना फन प्लेस है मतलब कि लोग, सारे लोग एंजॉय करते हैं, बॉसेस लोग बहुत चिल है मतलब, कोई बुली वगैरह नहीं है, लेकिन चूंकि ये आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं तो ये आपस में एक दूसरे का टीज करते रहते हैं. And that's a part of the life. हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है भाई. देखो मेरे को इतने साल में काम करके आया हूँ, मैं तो अपने ना तो बॉसेस को बॉसेस बोलता हूँ, हमें तो सर कह के बोलना पड़ता है या तो नाम लेके बुलाते हैं. Isn't it, रक्षा? तो ये अपना नाम लेके बुलाते हैं, कोई सर नहीं, कोई मैडम नहीं. ठीक. और कहने का, और मैंने तो ये सुना है कि ये ध्रुव की सीनियर है. एक्चुअली ये इसने पहले ज्वाइन किया था फूड स्टफ को. जॉक्स अपार्ट, व्हेन डिड यू जॉइन? 2019. ओह नो, 18 व्हेन वी बैक फ्रॉम इंडिया. नो, 2019 वाज द नो, व्हेन वी विजिटेड इंडिया. ध्रुव ने 2019 में ज्वाइन किया था इसको. और रक्षा तुमने कब किया था? 18, मतलब 6-7 महीने का डिफरेंस है. ज्यादा सीरियस मत ले लेना दोस्तों, इतना तो मजाक चलता है हमारे बीच में, 6-7 महीने का, बट सीनियर तो सीनियर ही होता है ना. Yeah, she does a lot more than I do. She can work in like pick module. That's like you have to carry like small items, I guess. तो तुमने ध्रुव को ट्रेनिंग दी रक्षा? Yeah,
No. तो ट्रेनिंग किसने दी? हाँ ओके तो तुम इसको ट्रेन करना चाहोगी? That depends on the manager. Yeah, so it's not my choice. तो काम क्या करते हो तुम वहाँ पे? Like I said, I'm a full-time driver. स्टोर पर्सन बेसिकली एकदम स्टार्टिंग जॉब होगी. बेसिक लगा मजदूर आदमी है हम लोग यहाँ पे. ठीक है तो देखो हम तो हैं देसी आदमी. आप ये समझ लेना कि भाई मजदूर का मतलब ये वहाँ का नहीं है, खेतों में काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर जैसे. मजदूर मतलब यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली ये 10 लाख रुपए कमाता है मजदूर. यहाँ का मजदूर 10 लाख रुपए कमाता है ध्रुव, वो भी पार्ट टाइम के अंदर. तो भाई साहब अगर आपको मजदूरी भी करनी है तो हम तो मजदूरी करने के लिए तैयार है. और साथ में ये अभी स्किल्ड जॉब की तरफ देख रहा है जो ये अभी मेरे ख्याल से तुम क्या बनोगे आगे? ऑटोमोटिव इंजीनियर बनेगा, कारों का मैकेनिक बनेगा भाई. अपने यहाँ पे जो छोटू टाइप का काम होता है ये वो सीखने वाला है बहुत जल्दी. लेकिन ये जो छोटू बन के जब काम सीख के आएगा ना तो इसका जो पैकेज होगा ना 2 करोड़ से ऊपर होगा. Isn't it ध्रुव? Level 3. उसके बाद After that, I'm gonna go into apprenticeship and then look for a better job, and then hopefully I'm gonna go in Germany and learn more stuff about cars, like electric cars or something. Germany में क्या करने जाओगे? Apparently, like in Germany, that's like a really good. You can learn a lot better because Germany is like one of those places like where they make cars. And one of the best places to learn about cars, I guess. तो आप देख सकते हो ये आज की जनरेशन है. मतलब मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड का सिटीजन और ये यहाँ पे सेटल होने के बाद भी ये यहाँ से उड़ने की बात कर रहा है. ये कहता है कि मैं तो Level 3 और Level 4 की इंजीनियरिंग करने के बाद ये तो जर्मनी जाएगा पढ़ने के लिए. मे भी हो सकता है ये बेटर भी है इसके फ्यूचर के लिए. तो मैं इसको रोकना नहीं चाहूँगा लेकिन ये वापस आ जाएगा जैसे इसने बोला मेरे को. तो वहाँ से लेकिन ये कह रहा है कि मतलब मैं कोई वहाँ पे जो फरारी वगैरह है और ये पोर्श वगैरह है उसकी कारों का ये मैकेनिक बन के आएगा मेरे ख्याल से. तो करेगा तो वही कहते हैं गाड़ी के नीचे लेटने वाला काम लेकिन फरारी के. तो आप समझ सकते हो उसके फायदे. तो और रक्षा तुम क्या करने वाली हो और फूड स्टफ में क्या करती हो? ओके belt pick and pick module, which is pick module is lighter duties. You do it for smaller stores and not big quantities. Okay. Yeah. तो ये भी वही काम करती है जो ध्रुव काम करता है, forklift driver और store person. But इसके पास endorsement नहीं है license के ऊपर. दोनों में फर्क सिर्फ इतना है. ध्रुव ने अपना लाइसेंस एंडोर्स करा लिया तो ये 10 साल के निश्चिंत है. नहीं क्या तुमने? मैं कराना चाहिए था ना. बट ये स्कूल से तुम्हारा अच्छा है. नो दैट वाज जस्ट अ सर्टिफिकेट. आई हैव टू पे अनदर $200 टू गेट अ एंडोर्स ऑन माय लाइसेंस. ओके तो ये तो हुआ इनके वर्क प्लेस के बारे में. और कुछ बताना चाहोगे न्यूजीलैंड के बारे में? शुरू में रक्षा थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी. रक्षा को यूट्यूब आने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है लेकिन अभी हमारी फैमिली की मेंबर है तो अब इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया. मेरे ख्याल से आगे भी आपके साथ यूट्यूब में दिखना चाहेगी. हमने इसको प्रॉमिस किया है कि हम आगे इसको सैटरडे को घुमाने ले जाएंगे. yes. इस यूट्यूब के बनाने के चक्कर में रिश्वत दे रहे हैं हम इसको. तो अपनी इंडियन वाली आदत तो जाएगी नहीं ना ब्राइब देने वाली, मतलब अनऑफिशियली. बट जॉक्स अबाउट, तो रक्षा हमारी फैमिली फ्रेंड की तरह ही है अब एक तरह से. अच्छी, इसका स्वभाव भी अच्छा है तो ये आपको आगे भी वीडियोज में आती दिखेगी. और मेरे ख्याल से इसको नींद आने लगी अब तो आप लोग भी लगता है बोर हो जाएंगे इतनी ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो आ जाएगी तो. Hopefully you don't run away. No, I'm not gonna run away. इसको नींद इसलिए भी आ रही होगी बीच में कि इसने आज वीडियो में कुछ बोला नहीं. ये वैसे बहुत चपर चपर करती है तो ये रीजन हो सकता है. मतलब ये कह रही है कि आज मैंने इसकी जगह ले ली लेकिन मैं पीछे कैमरा मैन बन के बैठा हूँ आज की डेट में. कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर जब लैंड कर जाते हैं तो आप में से सबसे पहले तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इनसे बातचीत करके कैसा लगा. अगर आगे भी आप इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वर्क प्लेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं कि भाई वर्क के बारे में आपको जो भी जानना है, जॉब्स के बारे में कोई भी जानना है तो आप प्लीज़ एक तो डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए सीधे वीडियो कॉल को उठा के. मतलब बड़ा गंदा लगता है यार रात के टाइम, आधी रात के टाइम. तो हमने आपको नंबर दे रखा है. हम हर एक से अपने कंफर्टेबल जोन में बात कर लेते हैं लेकिन आप भी सोचो ये फैमिली है मतलब.
और पर्सनल चीज़ें हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस इन इंडिया? 7.5 घंटे का डिफरेंस है हमारा और इंडिया के बीच में, आप वो भी ध्यान रखा कीजिए। बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है और ये वीडियोज़ के लिए भी बनाना होता है आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो आज का हम वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बोलोगे कुछ आप? नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट में भी वो लोग हमें आप आगे और भी बताइएगा फ़ोन करके या कमेंट करके कि आपको न्यूजीलैंड के बारे में आपको और क्या कंटेंट देखना है। इससे हम भी एक तरह से उसी के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। क्या तो लेट होंगे बनाने में था? हाँ नेक्स्ट टाइम डे टाइम में बना लेंगे घर का। ऑलराइट दोस्तों, आज थोड़ा डिफरेंट बना, मैं आज चुप रही मुझे इसलिए सॉरी नींद आने लग रही थी क्योंकि सही कह रहे हैं मुझे चपर चपर करने की ज़्यादा आदत है। चलिए अच्छा लगा, अब होपफुली आप लोगों को भी यहाँ के वर्क कल्चर के बारे में बताया, तो और कुछ जानना हो तो आप बताना। तो अब हम आपको बोलते हैं जय श्री कृष्णा और राम राम। थैंक यू।